हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आज यूट्यूबर चैनल पे। गाइस, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बासी रोटी की पकौड़ी कैसे बनती है, आइए हम आपसे बताते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का लाल बटन ज़रूर दबाइए और ऊपर से घंटी बजाना मत भूलें। तो गाइस देखिए, हमने ली है बासी रोटी, ये दो रोटी है और इसे हमने बारीक टुकड़ों में कट लिया है। देखिए बारीक पीस इसके हमने किए हैं और हमने दो रोटी में ये 250 ग्राम बेसन लिया है और ये हमने लिया है तेल और ये हरा धनिया जो धनिया पत्ता होता है और ये हमने प्याज काटा है और ये हरी मिर्च और ये लहसुन और मिर्च की चटनी बनाया है। अब चलिए गाइस हम आपसे बताते हैं, सबसे पहले ये हमें करना होगा सारों को मिला के मिक्स और हमने बेसन को अच्छे से छान लिया था इसीलिए। तो हमें देखिए, हम इसमें डालेंगे ये रोटी, ये रोटी हमने डाल दिया है इसमें और अब ये बड़ी परात ली है हमने और इसमें हमने ये बेसन भी डाल दिया है। देखिए गाइस, हमने ये प्याज हरी मिर्च डाला है और ये हमने डाला है हरा धनिया और इसमें हम डालेंगे चटनी। देखिए हम चटनी इसमें सिर्फ इतना डालेंगे, देखिए इसकी मात्रा हम 2 चम्मच डाला है और ये हमने 3 चम्मच डाला है। गाइस हमें इसमें अच्छा तीखा चाहिए इसीलिए हमने ज़्यादा चटनी डाली, अगर आपको कम तीखा चाहिए तो कम चटनी डालना होगा, 1 चम्मची या फिर 1.5 चम्मची ऐसे ही सोच के अपने हिसाब से खुद डाल लेना जैसे आपको खाना होगा। तो गाइस इसमें हमें चाहिए होगा नमक, हम इसमें नमक डालेंगे। गाइस देखिए हमने नमक डाला है सिर्फ इसमें या आधी चम्मच समझो, पूरी भर के चमची नहीं है, थोड़ा आता है इसमें। देखिए तो गाइस हम इसमें डालेंगे थोड़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट, देख हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है और गाइस अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गाइस इसमें हमें चाहिएगा थोड़ा सा पानी जिससे हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए बस हमें इतना ही पानी बहुत है और इसे मिक्स कर लेंगे, पानी और गहरेंगे। देखिए गाइस इसमें थोड़ा पानी और गिराएंगे हम जिससे हमारा खूब अच्छे से ये मिक्स होकर इसकी लही बन जाए। देखिए हम इसकी लही बना रहे हैं जिससे हमारी अच्छे से पकौड़ी बनेगी। गाइस ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप खाकर देखिए एक बार बना के और खाइए और फिर हमें कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा है खाने में, आपको टेस्ट आया है या नहीं। हमें तब तक इसमें पानी डालना होगा तब तक इसकी बारीक लही नहीं बन जाती। देखिए अब ये हमारी बारीक लही बन चुकी है, अब इसी को ये हम मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी नहीं डालेंगे। आप भी देख लीजिए, आपको भी इसी तरह लही बनानी होगी इसकी, इससे जो होता है अगर हम थोड़ी लही हमारी सख्त रह जाएगी तो टाइट रह जाएगी मतलब, तो फिर हमारी पकौड़ी टाइट ही रहेगी। अगर हम थोड़ी लही पतली करके बनाएंगे तो हमारी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा मुलायम आएगी। आप चाहे तो बुजुर्ग बूढ़े ज़ईफ आदमी को भी खिला सकते हो और जवान बच्चे सब खा सकते हैं। देखिए हमारी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए गाइस अब हम ये कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर हम गैस ऑन करेंगे। देखिए हमने गैस ऑन कर दिया है,
और इसको हम गर्म होने देंगे। और गाइस देखिए, और इसमें हम डालेंगे तेल। गाइस हमने तेल डाल दिया है, अब इस तेल को हम गर्म होने देंगे। देखिए गाइस, हमारी ये हो चुकी है, तो अब इसमें हम डालेंगे अपने पकौड़ी बनाने के लिए। देखिए गाइस, हम इस तरह बनाएंगे अपना पकौड़ी, आप भी इसी तरह बनाइए और खुद भी खाइए और अपने मेहमान को भी खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में इसको। तो गाइस देखिए, हमने इसमें डाल दिया है, इसमें हमने पकौड़ी बनाने के लिए अपनी पकौड़ी इसके अंदर ऐड कर दी है। देखिए इसे हम अच्छे से पकने देंगे। तो गाइस, अगर आप, मैंने ये रोटी ली है होटल की। गाइस आप कुछ, कोई भी रोटी हो, होटल की हो या फिर घर की हो, कोई भी रोटी इसमें चलेगी, इसमें कोई भी रोटी चलेगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि होटल की है या फिर घर की है, कोई भी हो सकती है, घर की हो या होटल की, दोनों से ही अच्छे से ये यही टेस्ट होगा इसका। तो गाइस देखिए, हम इसके, ये हमारा नीचे से हो गया है, इसे हम पलट देंगे एक बार। गाइस हमें चमचा लेना होगा अपना, देखिए ये छेंक वाला ही चम्मच इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि इससे जो है हमारे, एक तो ये फ़ायदा होगा हमारा तेल इधर उधर नहीं बेका जाएगा और सारा तेल इसमें ही वापसी चला जाएगा जब हम अपनी पकौड़ी निकालेंगे। देखिए गाइस, हमारी ये पकौड़ी बन के तैयार होने लग रही है, एक बार इधर से भी पकने देंगे। तो गाइस देखिए, हमारी ये पकौड़ी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। गाइस हमारा ये छोटा चमचा है, आप बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। तो गाइस देखिए, हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। गाइस ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, कसम से, आप, मैं खुद ही इस बात की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि वाकई में बहुत टेस्ट लगता है इसमें आता है। अगर आप खा के देखिए एक बार, अच्छा बनाइए और खाइए, सिर्फ एक मर्तबा, आप सिर्फ एक बार खाइए और खाकर अगर आपको वाकई में टेस्ट आया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुदा हाफिज़।